हेलो गाइज, तो अगर आप भी वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हो और लॉकडाउन के समय में आप सोच रहे हैं कि कौन सी वेब सीरीज़ आपको देखनी चाहिए, तो आप सभी के लिए ये वीडियो होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं 5 वेब सीरीज़ रिकमेंड करूंगा जो कि आपको 100% लॉकडाउन के समय में देखनी चाहिए। और ये 5 वेब सीरीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्टोरी लाइन के साथ देखने को तो मिलती है, उसी के साथ रेटिंग वाइज भी ये वेब सीरीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा कमाल की देखने को मिल जाती है। और वही मैं बात करूँ इन सारी वेब सीरीज़ की स्टोरी लाइन की, तो सारी वेब सीरीज़ आपको आर्मी के ऊपर देखने को मिलेगी, मतलब कि आर्मी ऑपरेशन जो भी किए जाते हैं उसके ऊपर जो इंस्पायर होकर वेब सीरीज़ बनाई जाती है, ये सारी वही होने वाली है। तो अगर आप आर्मी को ज्यादा पसंद करते हो या ये कहें कि आर्मी ऑपरेशन को आप ज्यादा लाइक करते हो, ये सारी वेब सीरीज आप सभी के लिए होने वाली। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कौन सी वेब सीरीज आपको मैं रिकमेंड करने वाला हूँ। और ये भी साथ में बोलना चाहूंगा, कुछ वेब सीरीज आपको पेड देखने को मिल जाती है और कुछ वेब सीरीज आपको फ्री में देखने को मिल जाती है, तो 5 वेब सीरीज आपको काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए पहले बात करते हैं 5th नंबर की। अगर मैं 5th नंबर की बात करूँ तो वहाँ पे मैंने जो वेब सीरीज का रखा है उसका नाम है द स्टेट ऑफ सेक्स 2011। अब 2011 आपको पता है कि अमेरिका में हुआ था, कितने ज़्यादा उसने लोगों की जान ली थी आप सभी को पता है, क्योंकि टेररिस्ट ने अमेरिका में अटैक कर दिया था जिसके कारण कई सारे लोगों की जान गई थी। उसी इंसिडेंट पर इंस्पायर होकर इस वेब सीरीज को बनाया गया, और ये वेब सीरीज काफ़ी अच्छे स्टोरी लाइन के साथ इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि जो भी चीज़ें उस समय हुई थी हर एक डिटेल में आपको इस वेब सीरीज के अंदर देखने को मिलेगी। और ये वेब सीरीज थोड़ी आपको लेंथी देखने को मिलेगी, लेकिन हर एक चीज़ आपको पॉइंट इसमें कवर होएगा, तो काफ़ी अच्छे स्टोरी लाइन के साथ। और साथ ही में जो एक्टिंग इस एक्टर्स ने इस वेब सीरीज में की है वो काफ़ी ज़्यादा आपको इंस्पायर करेगी और काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है, तो इसको भी आप एक बार ट्राई कर सकते हो। इसकी रेटिंग अगर मैं बात करूँ तो IMDb पे जो इसकी रेटिंग दी गई है वो लगभग 7.3/10 है, तो देख सकते हो रेटिंग वाइज भी ये वेब सीरीज आपको कितनी अच्छी देखने को मिल जा रही है। तो एक बार आपको ट्राई करनी चाहिए इस वेब सीरीज को भी, और ये भी वेब सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाती है। चलिए अब बात करते हैं 4th की। अगर मैं 4th वेब सीरीज की बात करूँ तो वहाँ पर मैंने जो वेब सीरीज का रखा है उसका नाम है द टेस्ट केस, और ये भी वेब सीरीज आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करने वाली है क्योंकि ये एक कैप्टन के ऊपर होने वाले जिसका नाम है कैप्टन शिखा शर्मा, जो कि पहली महिला रही थी इंडिया में जो कि एक कॉम्बैक्ट रोल में दिखाई दी थी, और उन्हीं के ऊपर ये पूरी वेब सीरीज देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि एक तरीके की ये बायोपिक होने वाली है कैप्टन शिखा शर्मा की। और इस वेब सीरीज में उनकी पूरी जर्नी को बताया जाएगा कि कैसे वो स्टडीज़ करती थी और कैसे कैसे उनको ज़्यादा मुसीबत आती थी इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने में, क्योंकि आप सभी को तो पता है इंडियन आर्मी में महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा नीचे रखा जाता है और उनको काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया जाता है कि आप इस चीज़ को छोड़कर चले जाओ, तो वो सारी चीज़ें आपको इंस्पायर करने वाली इस वेब सीरीज को देखते समय। तो ये वेब सीरीज को भी आप एक बार ट्राई कर सकते हो, वेब सीरीज की स्टोरी लाइन आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करने वाली है और आपको महिला के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गर्व होगा कि वो भी इस इंडियन आर्मी में जाती है और इतना अच्छा अपना रोल प्ले करती है। चलिए बात करते हैं 3rd वेब सीरीज की। अगर मैं 3rd वेब सीरीज की बात करूँ तो वहाँ पे मैंने जो वेब सीरीज रखा है उसका नाम है बेताल। बेताल भी आपको एक इंटेंस ड्रामा टाइप की वेब सीरीज देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि आपको जोम्बीज के साथ इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स भी देखने को मिलेंगे, और ये वेब सीरीज आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगी जोम्बीज वर्सेज इंडियन आर्मी, और आपको ये स्टोरी लाइन इतनी ज़्यादा पसंद आने वाली कि आप फिर से इस मूवी को देखना पसंद करेगे। अगर मैं बात करूँ तो स्टोरी की, तो स्टोरी इसमें काफ़ी ज़्यादा कमाल की आपको देखने को मिलती है, मतलब कि इसकी स्टोरी एक विलेज के ऊपर दिखाई गई है कि कैसे उस विलेज में कुछ आदमी अचानक से जोम्बीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके बाद इंडियन आर्मी को बुलाया जाता है और जोम्बीज को मारा जाता है। तो कह सकते हैं कि जोम्बी वर्सेस इंडियन आर्मी का एक टैगलाइन उसमें स्टार्ट हो जाती है, और एंडिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली क्योंकि एंडिंग में कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न आपको देखने को मिलेगी, जिसके बाद आपको इतना ज़्यादा ही मज़ा आएगा वेब सीरीज कि आप फिर से इसको देखना पसंद करेंगे। अगर मैं बात करूँ उसके रेटिंग की, रेटिंग जो IMDb पे दी गई है वो लगभग 5.3/10 है, तो रेटिंग वाइज ये आपको थोड़ी सी कम देखने को मिल जा रही है, लेकिन स्टोरी आपको काफ़ी ज़्यादा कमाल की देखने को मिलेगी, और ये वेब सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं 2nd वेब सीरीज की। अगर मैं 2nd वेब सीरीज की बात करूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको इंस्पायर करने वाली क्योंकि उसका नाम है द फॉरगॉटन आर्मी। ये काफ़ी अच्छी आपको वेब सीरीज देखने को मिलती है और प्रॉपर ये आपको इंडियन आर्मी के ऊपर देखने को मिलेगी वेब सीरीज। इस वेब सीरीज की अगर मैं स्टोरी की बात करूँ तो स्टोरी आपको वर्ल्ड वॉर 2 की याद दिला देगी, क्योंकि इस वेब सीरीज की जो स्टोरी है वो आपको वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान की देखने को मिलेगी कि कैसे इंडियन आर्मी ने अपना योगदान दिया वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, इंडिया को इंडिपेंडेंस करवाया, और काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर आपको करने वाली है और आपके अंदर जो भी एक भावना होती है उसको ये उत्पन्न करेगी और आपको इंडियन आर्मी से काफ़ी ज़्यादा लगाव होगा। अगर आप इस वेब सीरीज को पूरा देखोगे तो 100% आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाली है और काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होगे इंडियन आर्मी से। अगर मैं बात करूँ इसके रेटिंग की, तो IMDb जो उसकी रेटिंग दी गई है वो लगभग 8/10 है, तो देख सकते हो रेटिंग वाइज भी
वेब सीरीज आपको काफ़ी ज़्यादा कमाल की देखने को मिल जा रही है, उसी के साथ ये वेब सीरीज आपको अमेजन प्राइम पर देखने को मिलेगी। तो अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन अमेजन प्राइम का है तो आप आराम से इस वेब सीरीज को इन्जॉय कर सकते हो। चलिए बात करते हैं नंबर फर्स्ट वेब सीरीज की। अगर मैं नंबर फर्स्ट वेब सीरीज की बात करूँ तो उसका नाम है कोड एम। अब कोड एम आप में से कई सारे लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो एक बार प्लीज़ इस वेब सीरीज को आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इस वेब सीरीज में जो आपको स्टोरी लाइन देखने को मिल जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। अगर मैं बात करूँ इस वेब सीरीज की स्टोरी की, तो स्टोरी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। बेसिकली इस स्टोरी में आपको एक मर्डर दिखाया गया है कि कैसे एक आर्मी ऑफिसर का मर्डर होता है, उसके बाद एक लॉयर को बुलाया जाता है और इन्वेस्टिगेशन होती है कि कैसे इसका मर्डर किया गया है और कौन से मिलिटेंट उसमें शामिल थे, कि किसने इसको मारा है। और जो भी लॉयर आती है वो मेन अट्रैक्शन है, क्योंकि उसकी जो आपको एक्टिंग देखने को मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की देखने को मिल जाएगी। और साथ में आपको पूरी स्टोरी एक क्राइम थ्रिलर टाइप की देखने को मिलेगी, जिसमें कि आपको इंडियन आर्मी का भी तड़का देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको क्राइम या थ्रिलर वाली वेब सीरीज पसंद आती है तो 100% इस वेब सीरीज को आप एक बार ट्राई कर सकते हो। ये वेब सीरीज आपको काफ़ी अच्छे स्टोरी लाइन के साथ भी देखने को मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ उसकी रेटिंग की, तो IMDb जो उसकी रेटिंग दी गई है वो लगभग 7.9/10 है। तो रेटिंग वाइज भी ये वेब सीरीज आपको काफ़ी ज़्यादा कमाल की देखने को मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ इसकी अवेलेबिलिटी की, तो ये आपको अल्ट बालाजी पर देखने को मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये कुछ मैंने आपको 5 वेब सीरीज रिकमेंड किया जो कि आपको लॉकडाउन के समय में देखनी ही चाहिए। और सारी वेब सीरीज आपको देख सकते हो कितनी अच्छी रेटिंग के साथ आती है और साथ में कितने अच्छे स्टोरी के साथ ये सारी वेब सीरीज देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।